हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और कुक विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी, बेसन और ब्रोकली की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में ये बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन गरम कर लिया है और उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे। जैसे ही तेल हमारा गरम होता है उसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा जब स्प्लटर होने लगे तो यहाँ मैंने 250 ग्राम ब्रोकली के फ्लोरेट्स अलग कर लिए हैं और उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। तो ब्रोकली के पीसेस डालकर और इसे हमें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम अब मैंने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2.5 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो जब तक ये फ्राई होता है तब तक हम इसका मसाला बना के तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने 1/4 कप बेसन लिया है, 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, 1/3 स्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/3 स्पून रेड चिली पाउडर। नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और इसके साथ ही 1/3 टीस्पून हम आमचूर पाउडर भी ऐड कर देंगे और इन सब को मिक्स करके हम बेसन और स्पाइस का एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो बेसन और स्पाइस मिक्स हमारा बन के तैयार है, तो इसे हम साइड में रख लेंगे। और चलिए तब तक चलते हैं फिर से हम अपनी ब्रोकली की तरफ। तो ब्रोकली को फ्राई करते हुए मुझे 2.5 से 3 मिनट हो चुका है और ब्रोकली हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है। तो अब इसे हम ढककर 1 मिनट के लिए पका देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। तो पहले ब्रोकली को खुले में मैंने फ्राई किया जिससे इसका सारा मॉइस्चर इवोपरेट हो गया और उसके बाद फिर से मैंने इसे 1 मिनट के लिए ढककर पकाया जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इस स्टेज पर इसमें हम तैयार किया हुआ बेसन स्पाइस मिक्स हम डाल देंगे। तो एक बार हम नहीं डालेंगे, 2-2 स्पून करके हम डाल देंगे जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो 2 स्पून बेसन डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और फिर से अब मैं 2 स्पून इसमें डाल दूंगी और फिर से इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके बेसन स्पाइस मिक्स डालने से ये ब्रोकली में हर तरफ से अच्छे से मिक्स हो जाएगी और ब्रोकली के ऊपर बेसन की बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत कम समय में बन के तैयार हो जाती है और बेसन का टेस्ट इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल पकौड़ों वाला टेस्ट आ जाता है। तो अगर आपको ब्रोकली पसंद है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने सारा बेसन ऐड कर दिया है ब्रोकली में और इसे मिक्स करके हम 3 से 4 मिनट तक स्टर फ्राई करेंगे या जब तक कि बेसन हमारा गोल्डन ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट स्टर फ्राई करने के बाद बेसन हमारा ब्राउन हो गया है और ब्रोकली पे भी बहुत ही अच्छा ब्राउन स्पॉट आ गया है। तो एक बार मैं हाथ से चेक कर लूँगी ब्रोकली का स्टेम। तो ब्रोकली का स्टेम भी हमारा पक के तैयार हो गया है। तो अब इसे हम एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारी स्वादिष्ट और काफ़ी आसान सी रेसिपी ब्रोकली बेसन मिक्स बन के तैयार है। तो इस स्वादिष्ट सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।